नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। बच्चों के मन में इससे संबंधित बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर मेरा इस शिफ्ट में पेपर था, क्या मुझे नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा या नुकसान होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जो आपकी 10 शिफ्ट की जो परीक्षाएं थी उनमें किस शिफ्ट के बच्चों को, किस डेट के बच्चों को सबसे अधिक फायदा होगा और किस शिफ्ट और किस डेट के बच्चों को जो है नुकसान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपकी परीक्षा हुई है दोस्तों इस समय जो है 23, 24, 25, ये आपका एक बार में परीक्षा हुआ, फिर अगले बार में आपका होता है 30 और 31 को, ठीक है। और हर एक डेट में दो दो शिफ्ट में पेपर हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो 23, 24, 25 वाले बच्चे हैं ये वर्तमान समय में पता नहीं क्यों परेशान है। ये परेशान क्यों है 30, 31 का पेपर देख करके? इनको ऐसा लग रहा है कि जो 30, 31 का पेपर था ये था आसान, ठीक है। इनको लग रहा है कि इनका पेपर आसान था और इनका पेपर जो है हार्ड था, यानी कि कठिन। इस चीज को लेकर के परेशान है कि सर एक तो इनको टाइम भी अधिक मिल गया, इनका पेपर भी आसान हो गया। अगर नॉर्मलाइजेशन में 30-31 वालों को जो है फायदा हो गया तो फिर हम कहां जाएंगे? तो देखिए, बिल्कुल परेशान ना हो, 23, 24, 25 वाले बिल्कुल खुश हो जाएं। इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप तो चेहरे पर एक मुस्कान ला दीजिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में सबसे अधिक फायदा 23, 24, 25 वालों को ही होना है और इस बात की 101% मैं गारंटी लेता हूं। ये वीडियो बना रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और मिल लेना मुझसे, जब रिजल्ट आएगा तब मिल लेना, ऐसे मैं कोई बात नहीं कहता हूं। और 23, 24, 25 में भी सबसे अधिक फायदा जो किसको होगा तो भैया ये 23 वालों को होगा, सबसे अधिक 23 वालों को फायदा होगा। 23 के फर्स्ट शिफ्ट में जिसका पेपर है उसकी तो बल्ले बल्ले है 23 की फर्स्ट शिफ्ट में। अभी एक बच्चा मुझे कॉल किया, बोल रहा सर मेरे केवल 185 नंबर बन रहा है, ओबीसी कैंडिडेट है वो बच्चा, आजमगढ़ का निवासी है। और उस बच्चे ने कहा कि सर मेरे केवल 185 नंबर बन रहे हैं, क्या चांस है? मैंने उससे सबसे पहले पूछा किस डेट में पेपर था बाबू, तो बता रहा वो बच्चा कि सर मेरा जो पेपर था वो 23 के फर्स्ट शिफ्ट में था। मैंने कहा वाह, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, बस आप पॉजिटिविटी अपने अंदर रखे रहो और परेशान ना हो, क्योंकि 185 नंबर आपके है ना, नॉर्मलाइजेशन में अगर 25 से 30 नंबर मिल गए आपको, 20 भी नंबर अगर मिल गए तो आपका 200 प्लस हो जा रहा है स्कोर। और यकीन मानिए आप मिल लेना जब रिजल्ट आएगा, 23, 24, 25 वालों को फायदा होना ही होना है, मैंने लिख दिया 101%। और 23 वाले बच्चों को तो बिल्कुल क्या ही कहना, सोने पे सुहागा, दोनों हाथों में लड्डू, ठीक है, 10-10 लड्डू मुंह में उनके, मतलब उनको फायदा ही फायदा है। तो जिन बच्चों का 23 को पेपर है और जिनका स्कोर ऐसा लग रहा है कि 180 के आसपास में है या 180 प्लस है, 180-190 के बीच में है, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है भैया। अपने अंदर जो है एक उम्मीद की किरण जगाए रहो, बस कुछ नहीं करना, हफ्ते में 2 दिन व्रत रखना है, उससे क्या होगा, थोड़ा किस्मत साथ दे दे, बस ये मनाओ कि नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर अच्छा मिल जाए। और मेरे हिसाब से जो है, मैं आपको बता दूं कि जो 23, 24, 25 में जो 23 वाले बच्चे हैं ना, मतलब आप सोचो ना कि आप मानसिक अभिरुचि पढ़ के जा रहे हो, आप जान रहे हो कि यार फरवरी माह में पेपर हुआ था तो मानसिक अभिरुचि से 10 प्रश्न फंसे थे, आप पढ़ करके जा रहे हो मानसिक अभिरुचि, क्वेश्चन ही नहीं आया, मतलब 23 वाले बच्चे तो बिल्कुल शॉक्ड रह गए, ये कैसा पेपर है, एकदम बिल्कुल पैटर्न ही चेंज कर दिया। और 30-31 वाले बच्चे जा रहे हैं, उनको पता है कि पेपर में मानसिक अभिरुचि नहीं आना है, ये टॉपिक है। और कहीं ना कहीं अगर आप जीएस के प्रश्नों को देखेंगे 30-31 का तो थोड़ा सा इससे इजी था। हाँ, एक चीज था कि 30-31 में जो एक शिफ्ट था, 30 का जो सेकंड वाला शिफ्ट था, उसमें मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो गलत थे, 3 से 4 क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट उनको मिल सकता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे 23-24 की डेट्स में जिनका शिफ्ट लगा था, जिन्होंने पेपर दिया है, वो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका स्कोर 180-190 है तो एक उम्मीद की किरण भी है आपके लिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा होगा और सबसे ज्यादा फायदा तो 23 वाले बच्चों को होगा। तो 23 वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन अभी आप समझते नहीं हो, 41,520 वाले बच्चों से पूछो नॉर्मलाइजेशन में कितना कितना नंबर मिला था, 32-32 नंबर मिले थे, और किसे मिला था आप विश्वास नहीं करोगे, फर्स्ट रेट के फर्स्ट शिफ्ट को सबसे अधिक फायदा मिला था नॉर्मलाइजेशन में। कोई भी पेपर आप उठा लो नॉर्मलाइजेशन में उसी को फायदा मिलता है, जिसका पहले पेपर होता है उसको अधिक फायदा मिलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी जो है निराशा को किक मार के आगे बढ़ेंगे और इस होप के साथ कि आपका भी जो है सिलेक्शन होगा,
आगे की तैयारी भी करते रहेंगे, फिजिकल के साथ साथ जो आगे की आने वाली वैकेंसीज है उसकी भी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना, अगर कुछ भी अगर गलत लगे वो भी बता देना, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप कुछ गलत बताते हो या फिर अगर आपको कोई चीज गलत लगता है तब जरूर अवगत कराना, ठीक है। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।